तो बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज थर्ड वन एनटीएससी बुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए द रेडियस ऑफ एमी स्पेयर इज 3 सेंटीमीटर, द टोटल सरफेस एरिया इज, एमी स्पेयर की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, ये एमी स्पेयर है और इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, आपने फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो आपको दिखाई देने लग रहा है बच्चों, ये होता है सी एस सी यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसका फार्मूला होता है 2πr². अब इसके अंदर एक सर्कल और ऐड कर दिया जाए, सर्कल का एरिया और ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, और सर्कल का एरिया है πr² विद सेम रेडियस, देयरफॉर एरिया आ जाएगा इसका 3πr² जो कि कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो 3 as it is और पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू है 22/7 और r² की जगह रखेंगे 3 × 3 तो ये आ जाएगा 9, 9 × 3 = 27, 27 × 22/7 cm³, ये आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर, और उसको जो है कन्वर्ट कर देना आपने कोन के अंदर, मेल्टेड इन द कोन हूज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड हाइट ऑफ द कोन, हाइट निकालनी है आपने कोन की। तो बच्चों इसको मेल्टेड करके इसमें कन्वर्ट कर देना आपने कोन में, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी कि इसका वॉल्यूम हो जाएगा πr² h और कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3πr² h। तो भाई 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया और h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 × 2 × 6/3 कैंसिल हो जाएगा इससे और h की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में 2 hemisphere हैं आपके पास, फर्स्ट का रेडियस r1 लेट कर लिया मैंने, सेकंड का रेडियस r2 लेट कर लिया, तो दोनों के रेडियस का रेशो दे रखा है 2:3, तो दोनों के वॉल्यूम का रेशो निकालना है, तो सिंपल सा इसका क्या करना पड़ेगा आपने, क्यूब, तो इसका क्यूब कर दिया हमने 8 हो जाएगा और इसका क्यूब कर दिया आ जाएगा 27, तो आंसर आ जाएगा आपका 8:27। तो भाई फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि स्टेटमेंट है आपकी द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज 18, 12, 9 सेंटीमीटर, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाई मेल्टिंग द क्यूबॉइड, यानी कि इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके कितने ऐसे क्यूब बनाए जा सकते हैं। तो बेटा आपने क्या करना है, इसके वॉल्यूम को दूसरे के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है जो आपने बनाना है इसमें से, तो कैंसलेशन करना है सिंपल, ये 3 पर कैंसिल हो गया और ये 4 पर कैंसिल हो गया और ये 3 पर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12, 12 × 6 = 72, यानी कि 72 ऐसे छोटे छोटे क्यूब बनाए जा सकते हैं इस क्यूबॉइड से, मेल्ट करके इस क्यूबॉइड को इतने छोटे छोटे क्यूब 72 पीसीज बन जाएंगे, यानी कि 72 क्यूब इससे बनाए जा सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड 10 meter, 8 meter and 6 meter, देन डायगनल्स ऑफ द क्यूबॉइड इज, तो डायगनल आप जानते हो क्या होता है, l² + b² + h² √, ये होता है बच्चों डायगनल। तो डायगनल आ जाएगा बेटा 10² = 100, 8² = 64, 6² = 36, √, ये हो गया 200 एंड 200 को हम लिख सकते हैं 2 × 100² और अलग अलग का स्केयर रूट लगाएंगे तो 100² आ जाएगा 10 और 4² होता है 1.41, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा 14.14। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सिक्स्थ, द रेडियाई ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशो 3:1, यानी कि रेडियस का रेशो है 3:1, तो एक की रेडियस को मैं 3r लेट कर लेता हूँ, सेकंड की रेडियस को r लेट कर लेता हूँ, उनकी हाइट में रेशो है 1:3 का, तो एक की हाइट h लेट कर लेता हूँ, दूसरे की हाइट लेट कर लेता हूँ 3h। अब उनके वॉल्यूम में आपने रेशो फाइंड आउट करा बेटा, इनके वॉल्यूम में क्या रेशो होगा, तो इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3πr² यानी कि 9r² और h,
इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो 1/3 πr² यानी के r स्क्वेयर और h की जगह आ जाएगा 3h, तो कैंसिल हो जाएगा सारा ये और आंसर आ जाएगा 3/1 यानी के 3:1। तो दोनों के वॉल्यूम का जो रेशो है वो आ जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो क्यूबॉइड है आपका, क्यूबॉइड उसके 6 फेस होते हैं, ये आप जानते हो बेटा सभी बच्चे कि क्यूबॉइड के फेस 6 होते हैं। जैसे ये मेरे पास ये है क्यूबॉइड, तो इसके 6 फेस हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 फेसेस हैं इसके। तो उन सभी 6 फेसेस का एरिया इसने दे रखा है, जैसे कि इस फेस का एरिया 20 हो गया तो इसके सामने वाले का भी कितना होगा, 20, क्योंकि दोनों अपोजिट फेस बिल्कुल सेम एरिया के होंगे। तो 20 20 जैसे इसका एरिया हो गया, तो इसकी लेंथ को एल लेट करूं मैं, तो ब्रेथ को बी लेट करूं, तो ये एल इंटू बी हो जाएगा बच्चों 20। यानी कि 20 के दो फैक्टर करने हैं हमने, तो 20 के दो फैक्टर हो गए 5 × 4। ठीक ऐसे ही जैसे ये फेस है, तो इस फेस का एरिया उसने दे दिया 15। देखो इस फेस का एरिया ये 15 है, ये 15 है, तो इस फेस का एरिया दे दिया उसने 15, तो इसके अपोजिट फेस का भी एरिया क्या होगा, 15। तो 15 के भी दो फैक्टर कर लिए हमने, देखो 5 × 3। अब एक साइड कॉमन आ गई इसकी, देखो क्योंकि ये लेंथ अगर 5 हो गई, यहाँ पर 5 हो गई, तो इस फेस में भी ये 5 है। उसके बाद दूसरा जो एरिया है वो है 12, उसको ब्रेक करेंगे 4 × 3 में। तो ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, एक ऑब्जर्वेशन दो बार रिपीट, दो बार आ जाएगा, देखो 5 5 4 4 और 3 3, यानी कि ये इसकी क्या आ गई बच्चों, डायमेंशंस, यानी कि 5 3 और 4 इसकी क्या आ गई डायमेंशंस। तो तीनों का प्रोडक्ट ही क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो 5 3 = 15 15 4 = 60, यानी कि 60 cm³। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर 7 cm and 14 cm रिस्पेक्टली, इट इज डिवाइडेड अलोंग इट्स एक्सिस वर्टिकली इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, द इंक्रीज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज, यानी कि इसको अगर कट कर दिया जाए, कट करने से जो इसके टोटल सरफेस एरिया में जो इंक्रीमेंट होगा वो आपने बताना है। देखो बच्चों इसको कट कैसे करना, कट ऐसे करना है इसको, ठीक है ना, ऐसे कट करेंगे तो देखो दो टुकड़े हो जाएंगे इसके। अब जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो सभी फेसेस का एक एरिया को ऐड करना होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मैं बता देता हूं आपको, देखो जैसे कि ये क्यूबॉइड है एक, तो इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, इस फेस का एरिया प्लस में इस फेस का एरिया, इस फेस का एरिया, इस फेस का एरिया, इस फेस और इस फेस, यानी कि जितने भी उसके फेस हैं सभी का एरिया का सम क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो अब जैसे ये क्या था, सिलेंडर था, तो दो टुकड़ों में बट गया, अब ये तो दो टुकड़ों में बटेगा, तो बच्चों दो रेक्टेंगल का एरिया और ऐड करना पड़ेगा आपको, दो रेक्टेंगल का, क्योंकि इस तरीके से अगर ये जाएगा कट होकर तो यहाँ पर इसके फेस पर एक रेक्टेंगल बन जाएगी, यहाँ पर इसके फेस पर, जैसे कि मान लो ये एक सिलेंडर है, वैसे तो ये सिलेंडर नहीं है, ये है फ्रस्टम। मान लो कि जितना इसका यहाँ पर ये सरकमफ्रेंस है उतना ही सरकमफ्रेंस यहाँ पर है, तो इसको ऐसे कट करूँगा मैं, ऐसे कट करने से इसका जो फेस बनेगा बच्चों वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि ऐसे कट हो जाएगा, देखो ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, यानी कि दो रेक्टेंगल आपको दिखाई देंगे अगर आप इस किसी सिलेंडर को कट करते हो तो। तो दोनों रेक्टेंगल का एरिया आपने ऐड करना है, तो रेक्टेंगल की लेंथ तो क्या हो जाएगी 14, रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो जाएगी 14, और ब्रेथ क्या हो जाएगी बच्चों 7 की बजाय क्या हो जाएगी 14। ब्रेथ तो ये हो जाएगी, देखो ब्रेथ जो है इसकी, तो फिलहाल जो बच्चों यानी कि इसकी जो रेडियस है उसका डबल क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेथ हो जाएगी इस रेक्टेंगल की, यानी कि 14 और ये भी 14, यानी कि रेक्टेंगल की बजाय क्या हो जाएगा स्क्वेयर, दो स्क्वेयर में बढ़ जाएगा ये, एक स्क्वेयर जैसे यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, दूसरा स्क्वेयर इस फेस पर आ जाएगा। तो दोनों स्क्वेयर का एरिया आपने ऐड कर देना है, तो 14 × 14 यानी कि 196 और 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 392 cm², यानी कि जो इसका टोटल सरफेस एरिया था पहले
उस एरिया में 392 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और ऐड हो जाएगा बच्चों। अब देखो बुक वाला हमेशा क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है, हमेशा एक आंसर ऐसा देता है साथ में कि जो इनमें इसमें कन्फ्यूजन होता है ना, जिस कन्फ्यूजन होने के बाद जो आंसर हम निकालते हैं वो आंसर ऑलरेडी ऑप्शन में मिलता है। क्योंकि कई बच्चे क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ से कट कर देंगे ऐसे, तो यहाँ से कट करेंगे तो अब इसके टोटल सरफेस एरिया में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा। देखो अगर बीच में से कट कर दिया हमने, ये बिल्कुल बीच में से जल्दबाजी में अगर बीच में से कट कर दिया तो इस तरीके से बढ़ जाएगा ये। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो ये फेस और दिखाई देने लग गया, ये फेस और दिखाई देने लग गया। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये फेस दिखाई नहीं देगा, तो इस फेस का एरिया क्या आ जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 7 × 7, पाई क्या है 22/7, ये आ जाएगा 7 × 4 = 7, 2 = 14, 7 × 14 + 1 = 15, 154 इसका एरिया आ गया, 154 इसका एरिया आ गया, तो ये आ गया 308। देखो ये ऑप्शन दे रखा है, तो स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझना आपने कि किस तरह कट करने के लिए बोला गया है। अगर आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे तो ऐसा ऑप्शन भी मिल सकता है बाई चांस, अब किसी बच्चे का ये ऑप्शन अगर मैच हो गया तो वो ट्राई नहीं करता। अक्सर ये होता है मेरे साथ भी और शायद आपके साथ भी होता होगा, कोई क्वेश्चन सोल्व किया हमने और कोई ऑप्शन मिल गया उसमें से तो हम उसको टिक करके आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो जबकि 308 आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट है बच्चों 9th क्वेश्चन, द मून डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का लगभग 1/4 है। वॉल्यूम ऑफ मून इज व्हाट फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी कि इनके जो वॉल्यूम है वो क्या फ्रैक्शन बनाते हैं। तो क्लियर ही बात है बेटा, वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा, 4/3 πr³, क्योंकि स्फेरिकल होते हैं दोनों ही, तो 4/3 πr³ करेंगे तो 1/4 का क्यूब हो जाएगा सीधा सीधा, यानी कि 1/64 आ जाएगा, तो फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी 1/64। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10th क्वेश्चन में जो है एक वॉल्यूम दे रखे हैं बॉक्स का, जो गिवन बाई y = x³ - 2x² - 24x, तो किसी बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो इसके द्वारा दिया गया है, y के y से रिप्रेजेंटेड है वो, और y है x³ - 2x² - 24x के, और रिक्वायरमेंट यहां पर है इफ द डेप्थ ऑफ द बॉक्स बी द स्मॉलेस्ट देन डेप्थ इज, यानी कि डेप्थ जो है इसकी वो सबसे छोटी है भाई, तो इसके तीन फैक्टर करेंगे हम तभी वॉल्यूम का आइडिया आएगा। तो x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच जाएगा x² - 2x - 24, तो y = x कॉमन हो गया, इसके फैक्टर हो गए x - 6 और x - 4, x + 4 हो गए फैक्टर, ठीक है ना, प्रोडक्ट -64 आ जाए, डिफरेंस आ जाए -2। तो अब जो इनमें सबसे छोटी साइड है वो देखो x - 6 हो जाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, x की वैल्यू क्या है, कम से कम वैसे यहाँ पर x की वैल्यू 7 होगी, क्योंकि अगर x की वैल्यू 6 हो गई तो एक साइड 0 हो गई, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि कोई साइड 0 हो किसी बॉक्स की, तो x की वैल्यू कम से कम 6 है, कम से कम 7 है यहाँ पर, ओवरऑल क्या है x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर x है तो सबसे छोटी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो उसने बताया कि उसकी जो डेप्थ है वो सबसे कम है, तो डेप्थ क्या आ जाएगी उसकी x - 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा x - 6 यूनिट।